Today's lecture is on group velocity, phase velocity and concept of wave packet. T Broglie wavelength होती है h upon p. p की जगह हम m भी रख सकते हैं. ठीक है, तो h upon mv, velocity of matter waves, हम उसको phase velocity लिखते हैं, omega by k होता है. तो 2 pi mc square upon h, ये expression कैसे आया? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लेकिन next slide में मैं drive भी कर रही हूँ कि equal to h nu होता है, equal to mc square होता है, equate करके यहाँ से हम omega की value calculate कर सकते हैं. k हमारा propagation constant 2 pi by lambda होता है, values put करी, vp equal to c square by v आया. ठीक है, अभी कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, पर अभी फिलहाल इतना ही देख लीजिए. तो vp हमारा कितना आया, c स्क्वायर बाय p, वेयर v इज अ पार्टिकल वेलोसिटी, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, और v फेज डी ब्रॉगली वेव वेलोसिटी. तो अगर v पार्टिकल वेलोसिटी की बात करूं, हमेशा लेस देन c होगा. अब तक हम रिलेटिविटी में पढ़ के भी आ चुके हैं कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच नहीं कर सकता, तो v की वैल्यू हमेशा लेस देन c होगी. और v अगर लेस देन c है तो vp हमेशा c से ज्यादा होगा, क्योंकि ये vp v फेज कितना आ रहा है, c स्क्वायर अपॉन v. तो v फेज जो है ऑलवेज ग्रेटर देन c, मतलब डी ब्रॉगली वेव की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा आ रही है. एक्ट कर रहा है किससे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में. अभी हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये स्टेटमेंट देखकर आए हैं, नो मटेरियल पार्टिकल और नो वेव कैन मूव फास्टर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट. और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि v फेज इक्वल टू ग्रेटर देन c. और दूसरा, पार्टिकल की वेलोसिटी लेस देन c है, उसके साथ जो वेव एसोसिएट है वो ग्रेटर देन c है. मतलब पार्टिकल पीछे रह गया और उसके साथ जो वेव एसोसिएट थी वो आगे निकल गई, है ना. तो यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्शन हो रहा था, जो थ्योरीज हमने एक्सेप्शन किया या कंसीडर किया उसका, और जो हम थ्योरी पढ़कर आ चुके हैं उन दोनों थ्योरीज का, कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी कॉन्फ्लिक्ट कर दी थी ये बात, और साथ में जो डी ब्रॉगली का कंसेप्ट था कि वेव पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है उसको भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी लेस देन सी है और जो उसके साथ वेव एसोसिएट हो रही है उसकी जो वेलोसिटी है ग्रेटर देन सी आ रही है. तो इसने हमें सोचने के लिए मजबूर किया कि पार्टिकल के साथ सिंगल वेव एसोसिएट ना हो के एक ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती है, और उस ग्रुप ऑफ वेव को हम वेव पैकेट कहते हैं. ठीक है, तो पार्टिकल के साथ सिंगल वेव एसोसिएट ना हो के ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती है, जिसको हम उनके सुपरपोजिशन से जो वेव बनती है उसको हम वेव पैकेट कहते हैं. फिर से सुनिए क्या बोला. डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी. p की जगह हम mv रख सकते हैं. तो h upon mv, अगर हमने वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव कैलकुलेट किया तो v फेज इक्वल टू c स्क्वायर बाय v आया, वेयर v इज द पार्टिकल वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन c. तो उस केस में जो v फेज वेलोसिटी है ऑलवेज ग्रेटर देन c. तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी v मस्ट बी लेस देन c वेलोसिटी ऑफ लाइट, देयरफॉर डी ब्रॉगली वेव ऑलवेज ट्रेवल फास्टर देन light, which is conflict with theory of relativity. The de Broglie wave associated with particle travel much faster than particle itself. Particle पीछे रह गया और जो उसके साथ wave associate थी वो आगे चली गई. Would leave the particle far behind. This is against the wave concept of particle. This difficulty was removed by considering the wave or group of wave packet rather than single wave. कि पार्टिकल के साथ सिंगल वेव एसोसिएट ना होके ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती है, और जिसको हम वेव पैकेट कहते हैं. वेव पैकेट की डेफिनेशन बाद में करेंगे, पहले ये डेरिवेशन क्या कर लेते हैं कि v फेज वेलोसिटी इक्वल टू c स्क्वायर बाय v कैसे आया. ठीक है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेव वेलोसिटी, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेव वेलोसिटी. vp क्या है, vp इज डी ब्रॉगली वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, न्यू फ्रिक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव. तो अगर हमें वीपी, हम ये माने कि डी ब्रॉगली वेव है, न्यू इसकी फ्रिक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, तो वीपी और न्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन हो जाएगा, वीपी इक्वल टू न्यू लैम्डा, है ना.
क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगी लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी, लैम्डा और फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया तो वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी को हम नोटेशन जो दे रहे हैं वो वीपी से दे रहे हैं, वीपी का मतलब पी मतलब फेज वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू एनालॉजी ऑफ रेडिएशन इक्वल टू एच न्यू। फिर ऑलरेडी हम आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से प्रूव करके आ चुके हैं इक्वल टू MC2, इन दोनों को इक्वेट करेंगे और यहां से हम न्यू फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो MC2 इक्वल टू एच न्यू और न्यू इक्वल टू MC2 अपॉन एच, इक्वेशन 2 आ गया। अब हम लैम्डा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फ्रॉम डी ब्रॉगली, तो डी ब्रॉगली से लैम्डा होता है एच अपॉन MV। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ इक्वेशन 3। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन MV, तो हमारे पास न्यू भी है लैम्डा भी है, इन दोनों की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करिए, वीपी आ जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू एंड लैम्डा इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, तो हमने वैल्यूज पुट की, न्यू की जगह MC2 अपॉन एच रखा, लैम्डा की जगह एच अपॉन MV रखा, एच से एच कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो वीपी इक्वल टू C2 by V। ठीक है, फेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, C2 by V के, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहां तक नोट करिए, उसके बाद फिर मैं लैंग्वेज बोलूंगी। फिर से सुन लीजिए क्या कहा हमने। ये माना डी ब्रॉगली वेव की वेलोसिटी वीपी होती है, फ्रिक्वेंसी न्यू होती है और वेवलेंथ लैम्डा होती है, तो फेज वेलोसिटी और न्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन होगा, वीपी इक्वल टू न्यू लैम्डा, इक्वेशन 1 हमने इसको बोला। हम जानते हैं रेडिएशन में एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वल टू MC2 होता है। दोनों एनर्जी के एक्सप्रेशन से दोनों को इक्वेट किया, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया MC2 अपॉन एच। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लैम्डा होता है एच अपॉन MV, लैम्डा आ गया, न्यू आ गया, दोनों की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट की, वीपी आ गया C2 by V, वेयर वी क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी है और वीपी फेज वेलोसिटी है डी ब्रॉगली वेव की, और C2 वेलोसिटी ऑफ लाइट। सिंस पार्टिकल वेलोसिटी इज मस्ट बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, देयरफॉर डी ब्रॉगली वेव ऑलवेज ट्रेवल फास्टर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि वी हमेशा लेस देन सी होगा, तो इसलिए वीपी ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि कॉन्फ्लिक्ट है किससे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। और दूसरा, पार्टिकल की वेलोसिटी कम है, जो उसके साथ वेव एसोसिएट है वो मच फास्टर देन पार्टिकल से मूव कर रही है, तो पार्टिकल पीछे रह जाएगा, उसके साथ जो वेव एसोसिएट है वो आगे निकल जाएगी। तो दिस डिफिकल्टी वॉज रिमूव बाय कंसिडरिंग अ ग्रुप ऑफ वेव्स रैदर देन सिंगल वेव। तो ये लिखना स्टार्ट करिए, सिंस पार्टिकल वेलोसिटी वी मस्ट बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैम ये तो वीपी होना चाहिए था। पार्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जो वी है नीचे, वीपी हमने क्या लिखा था एक्सप्रेशन, वीपी इक्वल टू C2 by V, तो इस वी की बात करें, ये जो वी है ये पार्टिकल की वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से लेस देन होना चाहिए, लेस देन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट सी। ठीक है, ये कम होगा क्योंकि हम रिलेटिविटी में पढ़ चुके हैं, कोई भी मटेरियल पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर ही नहीं सकता, उससे ज्यादा भी मूव नहीं कर सकता, तो हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होगी। देयरफॉर डी ब्रॉगली वेव ऑलवेज Therefore, डी ब्रॉगली वेव ऑलवेज ट्रेवल फास्टर देन लाइट, वीपी इज ग्रेटर देन सी।
जो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट विद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट विद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी एक ही बात है, ठीक है. हम एक सिंगल वेव की बात कर रहे हैं जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट है, उसकी वेलोसिटी को वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं या फेज वेलोसिटी भी बोलते हैं. डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड, डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड with a particle, de Broglie wave associated with particle travels much faster. Much faster than the particle itself, and would leave particle फार बिहाइंड. पार्टिकल पीछे रह गया और उसके साथ जो वेव थी वो आगे चली गई. तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये हमने जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस किया उसके अगेंस्ट हो गया. दिस इज अगेंस्ट द वेव कंसेप्ट. ऑफ पार्टिकल this difficulty was removed by considering a group of waves group of waves rather than a single wave. To be associated with associated with the particle. This group of waves is known as wave packet. This group of waves known as wave packet. फिर से बोल रही हूँ, सिंस पार्टिकल वेलोसिटी वी मस्ट बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, देयरफॉर डी ब्रॉगली वेव ऑलवेज ट्रेवल फास्टर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट सी. तो डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल ट्रेवल मच फास्टर देन द पार्टिकल इटसेल्फ एंड वुड लीव द पार्टिकल फार बिहाइंड. दिस इज अगेंस्ट the wave concept of particle. This difficulty was removed by considering a group of waves rather than single waves to be associated with particles. This group of waves is known as wave packet. तो यहाँ से wave packet का concept आया कि
जो पार्टिकल मूव करता है उसके साथ सिंगल वेव एसोसिएट नहीं होती है बल्कि ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होता है, और जो वो वेव पैकेट है वो जो नंबर ऑफ वेव्स उसके साथ एसोसिएट हैं उनके सुपर पोजिशन से बनता है, ठीक है, उनका सुपर पोजिशन होता है। और फिर सिंगल जो हम लैम्डा डिनोट करते हैं वो उनके सुपर पोजिशन से होकर जो वेव लेंथ बनती है या वेव बनती है उसको डिनोट करता है, ना कि सिंगल वेव को, ठीक है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ वेव के सुपर पोजिशन से रिजल्टेंट वेव बनता है उसको लैम्डा डिनोट करता है, ना कि वो सिंगल वेव को डिनोट करता है। दूसरा, जो पार्टिकल जो सुपर इम्पोज हो रही है, जहां पर पार्टिकल मिलता है उसके आसपास के रीजन में उनका जो सुपर पोजिशन होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहां पर हमारा पार्टिकल नहीं मिल सकता है उस जगह उनका जो सुपर पोजिशन होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। द फॉर्मेशन ऑफ वेव पैकेट इज सिमिलर टू बी बीट्स प्रोड्यूस बाय साउंड वेव्स, ठीक है, वहां पर भी क्या होता है, द रिजल्टेंट ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी इक्वल टू एवरेज ऑफ टू ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी एंड इट्स एम्पलीट्यूड राइजेज एंड फॉल्स पीरियडिकली, देयरफॉर वेव पैकेट मे बी डिस्क्राइब एज अ सुपर पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल हार्मोनिक वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। तो देखिए यहाँ दिखा भी रखा है इस फिगर में कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लड़का दौड़ रहा है, तो अब इस लड़के के साथ सिंगल वेव एसोसिएट नहीं है बल्कि एक ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है, और हर एक वेव की जो है अपनी अपनी वेलोसिटी है, और इनके सुपर पोजिशन से एक रिजल्टेंट वेव मिल रही है, ये जो दिख रहा है ग्रीन लाइन से, इसको हम वेव पैकेट बोलते हैं। इन आपस में जो भी इसके साथ वेव एसोसिएटेड हैं, ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट हैं, उनके सुपर पोजिशन से एक रिजल्टेंट वेव मिलेगा जिसको हम वेव पैकेट बोलते हैं। और इस वेव पैकेट में क्या होता है कि वहां पर इन वेव्स का जो सुपर पोजिशन है वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जहां पर ये मिलने की संभावना है, ये यहाँ पे लड़का दिख रहा है या पार्टिकल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जहां पर ये मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जहां पर ये मिलेगा लोकलाइज्ड होगा उस जगह इनका जो सुपर पोजिशन होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, जहां पर इसके मिलने की संभावना नहीं है। सपोज ये इधर की बात करें, ये यहाँ पे ये नहीं मिल सकता, ये तो आगे दौड़ रहा है, तो उस केस में इनके बीच में जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहाँ पे पार्टिकल या ये जो लड़का है हमें नहीं मिल सकता है। और जो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं वेव्स की, तो दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक ग्रुप वेलोसिटी होती है और एक हमारी फेज वेलोसिटी होती है। ग्रुप वेलोसिटी क्या है, जो ये पूरा ग्रुप बन के आया इसकी जो वेलोसिटी है जो ग्रीन वाला है इसको हम कहेंगे, इसकी जो वेलोसिटी है इसको ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं डी ओमेगा बाय डी के से। जो यहाँ पर ये सिंगल वेव्स हैं इनकी अपनी वेलोसिटी होती है, उनकी एवरेज वेलोसिटी होती है, उसको हम फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको हम वीपी से डिनोट करते हैं ओमेगा बाय के से, ठीक है। तो इनके एक्सप्रेशंस हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, इनकी सब डेफिनेशन बताएंगे दोनों की, कि फेज वेलोसिटी क्या होती है और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। और मैंने आपको बताया भी था इनका सुपर पोजिशन ऐसे है जैसे साउंड वेव्स में बीट्स का सुपर पोजिशन होता है, बीट्स हमारी डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की होती हैं लेकिन आपस में सुपर इम्पोज करके बहुत अच्छा साउंड क्रिएट करती हैं, म्यूजिक क्रिएट करती हैं, सेम उसी तरीके पे यहाँ पे डिफरेंट वेव्स के सुपर पोजिशन हो रहे हैं और उन सुपर पोजिशन से हमें रिजल्टेंट वेव पैकेट मिल रहा है। और जो वेव पैकेट मिल रहा है जो हम लैम्डा पढ़ रहे हैं डी ब्रॉगली में, ठीक है, यहाँ पर जो लैम्डा पढ़ रहे हैं एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी, वो इस ग्रीन वाले के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है वो जो ग्रुप के सुपर पोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उसको डिनोट करता है ये, एक्सप्लेन या डिस्क्राइब वेव पैकेट, ठीक है, या व्हाट इज वेव पैकेट। अ वेव पैकेट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वेव्स एंड इज फॉर्म्ड बाय सुपर पोजिशन ऑफ नंबर ऑफ वेव सिचुएटेड ऑन एंड अराउंड द सेंटर ऑफ वेवलेंथ एंड इज गिवन बाय डी ब्रॉगली फॉर्मूला। द एम्पलीट्यूड एंड द फेज ऑफ ईच वेव इन वेव पैकेट इज सच दैट दे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली ओवर द स्मॉल रीजन ऑफ द स्पेस वेयर द पार्टिकल कैन बी लोकलाइज। आउटसाइड दिस रीजन ऑफ द स्पेस दे इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली सो एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस टू जीरो। यहाँ पे जैसे एम्पलीट्यूड जीरो दिखा रखा है और जहाँ पे वो इंटरफेयर कर रहे हैं, जहाँ पे पार्टिकल मिल सकता है वहाँ पे इनके बीच में जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और ये सुपर पोजिशन किसके हम सिमिलर मान सकते हैं, जैसे बीट प्रोड्यूस बाय साउंड वेव्स, वहाँ पे भी क्या होता है अलग अलग बीट्स जो है आपस में सुपर इम्पोज करती है डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की, और फिर फाइनली हमें एक ब्यूटीफुल साउंड सुनने को मिलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की जो या हार्मोनिक वेव्स हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वो सुपर इम्पोज कर रही हैं
और फिर हमें रिजल्टेंट वेव मिल रही है जिसको हम वेव पैकेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और ये फिगर भी बनानी है। ठीक है, मैम क्वेश्चन क्या लिखेंगे? क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे, व्हाट इज वेव पैकेट, व्हाट इज वेव पैकेट। और एक्सप्लेन अ कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। तो ग्रुप वेलोसिटी, डिफाइन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी जो वेलोसिटी है जिससे ग्रुप आगे मूव कर रहा है या उनके एवरेज वेलोसिटी हम कह सकते हैं, उसको हम ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। उसको वीजी से डिनोट करते हैं, वीजी इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। ये डब्ल्यू लग रहा है बट ये ओमेगा बनाइएगा, ठीक है। और फेज वेलोसिटी द इंडिविजुअल वेव फॉर्मिंग द वेव पैकेट प्रोसेस या हैव एन एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड फेज वेलोसिटी बीपी ओमेगा बाय के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो डिफाइन ग्रुप वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वेव पैकेट आगे मूव कर रहा है उसको हम ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, वीजी से डिनोट करते हैं और वीजी इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा डिफाइन फेज वेलोसिटी, इसको हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं एक्सप्रेशंस को, ठीक है। डिफाइन फेज वेलोसिटी द इंडिविजुअल वेव फॉर्मिंग द वेव पैकेट प्रोसेस लिख सकते हैं एंड हैव एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड फेज वेलोसिटी वीपी इक्वल टू ओमेगा बाय के। तो अब हम क्या करेंगे, वीपी और वीजी में रिलेशंस निकालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में इनके रिलेशन कैलकुलेट करेंगे इन दोनों के बीच में। तो एक रिलेशन आज करेंगे और बाकी फिर हम कल करेंगे, रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो पहला रिलेशन है फेज वेलोसिटी, इसके अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिलेशन है। तो आज फर्स्ट रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं डिस्पर्सिव मीडियम में, रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी इन डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम से क्या मतलब है, डिस्पर्जेंट से क्या मतलब है, पहले ये बताइए कि हम मीडियम को डिस्पर्सिव मीडियम क्यों कह रहे हैं। उसमें क्या होगा डिस्पर्सिव मीडियम में, जब लाइट इंसिडेंट होगी तो सब वेवलेंथ की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग हो जाएगी, है ना, या कलर सेपरेट हो जाएंगे। डिस्पर्शन यही तो होता है, कलर्स को अलग अलग दिखा देता है, कलर्स का सेपरेशन हो जाता है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो डिस्पर्सिव मीडियम क्या होगा, जिसके अंदर हम जब लाइट इंसिडेंट करेंगे तो सब जो वेवलेंथ्स हैं वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग सबकी वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी या वो सेपरेट हो जाएंगे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिलेशन को। रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, फर्स्ट रिलेशन है द इंडिविजुअल If the individual waves with which a wave packet is formed or constructed have an average velocity or phase velocity Vp, then Vp equal to omega by k or omega equal to k vp. ठीक है, हमने क्या किया, फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लिया। According to according
अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी. vg इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के. तो हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू के वीपी होता है. ओमेगा की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन टू में. फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो vg इक्वल टू डी बाय डी के ओमेगा की जगह के वीपी. तो क्या करेंगे, एक बार के को डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार वीपी को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना. तो पहले हमने के को डिफरेंशिएट किया तो वीपी ऐसे ही आया, डीके बाय डीके वन हो जाएगा, प्लस के को डिफरेंशिएट ऐसे ही छोड़ा, वीपी को डिफरेंशिएट किया डीपीपी बाय डीके, ठीक है. बट के क्या होता है, के इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा, वेयर के इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा होता है और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है. इक्वेशन थ्री में के की वैल्यू पुट कर देंगे. इसको फोर लिख देती हूँ, फ्रॉम थ्री एंड फोर. तो वी जी इक्वल टू वी पी प्लस के की जगह लिख सकते हैं टू पाई बाय लैम्डा डी वी पी अपॉन के की जगह टू पाई बाय लैम्डा. लेकिन इतने सुन लीजिए यहाँ पे, है ना, क्या करेंगे, ये d के अंदर पहले भी ऐसे कई बार डेरिवेशन कर चुके हैं कि अगर d लिखा है तो मतलब उसका डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन करना है. तो 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d, किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन लैम्डा का, और 1 अपॉन लैम्डा का डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर d लैम्डा, ठीक है. तो क्या करेंगे हम, हाँ, इसकी वैल्यू पुट कर, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और 2 पाई बाहर ले लेंगे. तो अगर ये नोट कर लिया तो नेक्स्ट स्लाइड इक्वल टू वीपी प्लस यहाँ पे था 2 पाई बाय लैम्डा डी वीपी अपॉन डी 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ तक हमने कर लिया था. तो यहाँ से 2 पाई बाहर ले लिया और डी हमने कर लिया डिफरेंशिएशन 1 अपॉन लैम्डा का, ठीक है. तो पहले बाहर कॉमन ले लेते हैं वी जी वी जी वी पी प्लस टू पाई बाय लैम्डा, टू पाई बाहर कॉमन ले लिया, डी वी पी अपॉन डी वन अपॉन लैम्डा. ये टू पाई से टू पाई कैंसिल हो गया, Vg इक्वल टू वी पी प्लस वन अपॉन लैम्डा डी वी पी. अब यहाँ पर हमने डी वन अपॉन लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन लैम्डा स्क्वेयर डी लैम्डा आएगा ये, ठीक है. तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन लैम्डा स्क्वेयर डी लैम्डा. तो माइनस बीच में आ जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. तो वी जी इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा, और हम इसको लिख सकते हैं वी जी इक्वल टू वी पी माइनस VP माइनस लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा.
ये बताइए इस एक्सप्रेशन से क्या पता लग रहा है, ग्रुप वेलोसिटी ज्यादा है कि फेज वेलोसिटी ज्यादा है? फेज वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी है और ग्रुप वेलोसिटी कम है ना? दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी इन डिस्पर्सिव मीडियम, इन विच फेज वेलोसिटी को हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लैम्डा के रिस्पेक्ट में. तो यानी कि जो फेज वेलोसिटी है वो वेवलेंथ पे या फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट हो गई है. इन विच फेज वेलोसिटी इज फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट एंड ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन फेज वेलोसिटी इन डिस्पर्सिव मीडियम. तो ये दिस इज required relation. This is required relation between group velocity and phase velocity. VP group velocity को लिख सकते हैं VG और phase velocity VP in dispersive medium. In dispersive मीडियम, डिस्पर्सिव मीडियम मैंने आपको बताई दिया है क्या होता है, जिस मीडियम में वेलोसिटी जो है वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. इन विच फेज वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट. And group velocity is less than phase velocity. In dispersive medium in which phase velocity is frequency dependent and group velocity is less than phase velocity. नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होगा? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम जहां पर वेलोसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, तो वीपी जो है वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वीपी अपॉन डी लैम्डा जो है वो जीरो हो जाएगा. तो अगर ये वाली टर्म जीरो कर देंगे हम, तो वीजी इक्वल टू वीपी. तो ऐसे मीडियम्स में ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी इक्वल होती है जहां पर वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी पे या लैम्डा पे डिपेंड नहीं करती है. नॉन डिस्पर्सिव मीडियम इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम इन विच द वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी है ना, द वेव वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं या वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, दैट इज वीपी इज कॉन्स्टेंट, वीपी इज कॉन्स्टेंट, दैट इज वीपी अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू जीरो. तो अब अगर इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो वीजी इक्वल टू VP. Hence, group velocity and phase velocity are equal. So, non-dispersive medium के अंदर group velocity और phase velocity equal होती हैं, और dispersive medium में फेज वेलोसिटी ज्यादा होती है और ग्रुप वेलोसिटी कम होती है. तो आज की यही रिलेशन है, बाकी फिर और भी अलग अलग तरीके से रिलेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.